एविडेंस एक्ट का बी पार्ट है। मैंने आप लोगों को बताया था कि एविडेंस एक्ट इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज रेलेवेंसी, सेकंड पार्ट इज अबाउट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, किसके डॉक्यूमेंट्स के, और थर्ड इज कि रेलेवेंसी को और डॉक्यूमेंट्स को कैसे पेश किया जाता है, पेश करने का प्रोसीजर। क्या समझ में आया कि एविडेंस एक्ट के तीन पार्ट हैं। तो थर्ड पार्ट को हमने सबसे पहले लिया था। थर्ड पार्ट को सबसे पहले लेने के पीछे कारण था कि थर्ड पार्ट विशुद्ध रूप से प्रोसीजर था और सीआरपी चूंकि पढ़ चुके थे इसलिए वी टुक फर्स्ट थर्ड पार्ट। तो दिस इज द लास्ट पार्ट और आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज आपका एविडेंस एक्ट संभवतया पूरा हो जाना चाहिए जिसमें से प्रश्न आते हैं। थर्ड इस सेकंड पार्ट में से दो या तीन क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। कितने? दो या तीन क्वेश्चन आएंगे। ये जो दो या तीन क्वेश्चन है ये ऐसे क्वेश्चन है कि यदि आप लोगों ने इसे ढंग से पढ़ा तो ये टफ वाला एरिया नहीं है, लेकिन जो नहीं पढ़ता है तो बहुत उसके लिए बहुत टफ है ये। मतलब तुक्के से इसका क्वेश्चन का आंसर सही नहीं कर सकता, औरों में तुक्के से सही हो जाएगा, इसमें तुक्के वाली बात नहीं चलेगी। लेकिन आपने पढ़ा हुआ है, कंसेप्ट क्लियर है, फिर आप इसको 55 से 56 से देखिए एक बार। फिफ्टी सिक्स से 58 तक का एक ही पार्ट है। देखो इसमें दो तरह की बातें कही गई हैं। एक तो होते हैं जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट्स और दूसरे होते हैं कि ऐसे फैक्ट्स जिनको कोर्ट में साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब 56 से 58 तक का जो पार्ट है उसमें दो बातें, दो तरह की बातें कही गई हैं कि एक तो जुडिशियल नोटिसेबल, तो इसका मतलब है जुडिशियल नोटिसेबल है ये जुडिशियल जुडिशियल नोटिसेबल क्या होते हैं? जुडिशियल नोटिसेबल क्या होते हैं? जुडिशियल नोटिसेबल का मतलब है कि ऐसे फैक्ट्स जिसे जज अच्छे से जानता है। इसे हिंदी में कहते हैं न्यायिक अवेक्षणीय। जैसे अब न्यायिक अवेक्षणी तथ्य कौन से हैं? जैसे भारत 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, इट इज जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट। या जैसे संडे को इंडिया में छुट्टी होती है, इट इज जुडिशियल नोटिसेबल। बहुत सारे वैसे बता रहा हूं, अभी आप लॉ नहीं पढ़ रहे उसके बावजूद भी आपको पता है बहुत सारे। संडे को छुट्टी होती है, ये जुडिशियल नोटिसेबल है। दूसरी, भारत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी चंद्रचूड़ हैं, ये भी जुडिशियल नोटिसेबल है। मतलब जो जिनके बारे में न्यायालय को जानकारी होती है, होनी चाहिए, तो जिनके बारे में न्यायालय को जानकारी होती है, होनी चाहिए, क्या उन्हें कोर्ट में साबित करने की जरूरत है? क्या उनसे कह सकते हैं अच्छा आप साबित करो साहब संडे को छुट्टी होती है, मतलब कोई ऐसा मामला आ गया, तो साबित करने की जरूरत नहीं है। इसलिए एक्ट में ही लिख दिया।
एक्ट में ही लिख दिए और उनकी सबकी एक लिस्ट बना दी। क्या कर दिया? लिस्ट बना दी। जैसे ब्रिटेन में, चूंकि ब्रिटेन के साथ हमारी एक अलग टाइप की कनेक्टिविटी रही है, भारत का नाम भी एक समय 1947 से पहले ब्रिटिश भारत होता था। इट वॉज कॉल्ड विद द नेम ऑफ ब्रिटिश भारत। तो जो ब्रिटिश भारत था, इसका मतलब ब्रिटेन का शासन था। यहां ब्रिटेन के शासन के संबंध में, ब्रिटेन के शासन के संबंध में ब्रिटेन के शासन के संबंध में बहुत सारी चीजें हमें जुडिशियल नोटिसेबल हैं। जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, इनकी वो डेट्स जब ये इनेक्टेड हुए। आप अब हमेशा ही कहते हो इंडियन पिनल कोड 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ठीक है ना, और एक्ट्स के बारे में भी कहते हो। तो ये क्या मतलब है कि कानून के बारे में सब पता है। ऐसे बहुत सारी, जैसे सील है, सील मतलब मोहर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोहर है, ये गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन की मोहर है, ये यहाँ की मोहर है, तो उनके बारे में भी। तो इसमें एक लिस्ट जैसी है। आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल नोटिसेबल, जुडिशियल नोटिसेबल का अर्थ क्या होता है। तो ऐसे फैक्ट्स जिनकी जानकारी कोर्ट को होती है, व्हाट आई एम सेइंग कि फैक्ट्स दोज आर नोन टू द कोर्ट, तो वो जुडिशियल नोटिसेबल हैं। कैसे हैं वो? जुडिशियल नोटिसेबल हैं, ठीक है ना, वो जुडिशियल नोटिसेबल है। ऐसे ही तो ये सेक्शन 56, जैसे इसमें मैंने इनको अलग अलग कर दिया, अब इनके मामले में क्या है, विदाउट एनी प्रूफ कोर्ट सेल, विदाउट एनी प्रूफ कोर्ट सेल डीम्ड इट प्रूव्ड, न्यायालय ने साबित समझेगा, न्यायालय ने साबित मानेगा, इन्हें साबित करने की जरूरत नहीं होती। देखो इसमें और गहराई में नहीं जाना है, आप तो नोट्स में से चाहो तो इनको पढ़ लेना, सेक्शन 56 और 57। तो ये बात 56 में ही दे दी। एक इसमें क्या किया, 56 में तो ये कह दिया कि जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। 57 में क्या कहा, एक लिस्ट ऑफ लिस्ट है, इनकी लिस्ट है, ठीक है। दूसरी 58 में क्या है, 58 में ये कहा कि जो एडमिटेड फैक्ट्स हैं, कैसे फैक्ट, एडमिटेड फैक्ट्स, नो नीड टू प्रूव देम। क्या कहा कि फैक्ट्स, एडमिटेड फैक्ट्स, नो नीड टू प्रूव देम, जो तथ्य कैसे हैं, स्वीकार कर लिए हैं। देखो एक एग्जांपल से समझो, मान लो एक आदमी ए है,
ठीक है, बी के ऊपर क्लेम लेकर आया, क्या लेकर आया, क्लेम, क्लेम है मान लो ये मेरा मकान है या मैं तुमसे 3 रुपए मांगता हूं, जो भी। तो क्लेम जिसे आप क्लेम कह रहे हैं या जिसे दावा कह रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं वैसे, क्लेम, क्लेम को क्या कहते हैं, क्या क्लेम ही बोलते हैं क्या, क्या दावा, अंग्रेजी में दावा ही बोलते हैं क्या, एक दावा और एक जवाब, अंग्रेजी क्या है इनकी, अरे हद हो गई भाई, ये प्लैंट क्या बोलोगे इसको, प्लैंट, और ये क्या होगा, अरे प्लैंट का दूसरा अपोजिट क्या है, एंटोनिम्स क्या है, है? अरे रेस्पोंडेंट डिपेंडेंट तो लोग होते हैं, वादी और प्रतिवादी कौन, अरे रिटन स्टेटमेंट नहीं बोलते। अब आप इतनी कमजोर रखोगे नॉलेज तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा भाई, वो तो ठीक है मैंने वैसे ही पूछ लिया। रिटन स्टेटमेंट क्या होता है, डब्ल्यू एस और प्लान, दावा जवाब, दावा काय में होते हैं ये, सीपीसी में, काय में, सीपीसी, सीपीसी भी पढ़ाएंगे। तो क्या होता है जैसे दावा लिखते हैं, तो दावा कैसे लिखा जाता है, पॉइंट्स में होता है। जैसे जैसे कहता है कि ये है कि बी मेरा पड़ोसी है, क्या लिखा, यह है कि बी मेरा पड़ोसी है। तो जैसे मान लो लिखा बी मेरा पड़ोसी है, फिर लिखा बी का प्लॉट मेरे प्लॉट के पास है, फिर लिखा बी ने मेरे प्लॉट में दरवाजा खोल रखा है, खिड़कियां खोल रखी हैं, ऐसे करके लिखता गया। तो देखो उसमें एडमिटेड फैक्ट कौन से हैं, यह मेरा पड़ोसी है, दिस इज एडमिटेड फैक्ट, कैसा फैक्ट है, एडमिटेड फैक्ट है ना। तो जैसे ही ये डब्ल्यू एस लिखेगा, प्लैंट के बदले डब्ल्यू एस लिखेगा, तो पता क्या लिखेगा, बी लिख रहा है, अब डब्ल्यू एस लिख रहा है, तो बी पे तो ये कहा कि ये पड़ोसी है, तो ये बी क्या कहेगा, यह सही है, क्या कहेगा, यह सही है, इट इज ट्रू, या एक काम कर सकता है एडमिटेड शब्द लिख सकता है, क्या लिख सकता है, एडमिटेड, तो ऐसे, या हिंदी में स्वीकृत लिख सकता है। तो जिन जिन बातों पर उसने स्वीकृत लिखा है, जवाब में स्वीकृत 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 ऐसे लिखा 5 पॉइंट पे, तो सेक्शन 58 कहता है कि जो जो स्वीकृत हैं, जो जो एडमिटेड फैक्ट्स हैं, नो नीड टू प्रूव देम, भाई वो तो स्वीकार ही कर ले, उसे प्रूव करने की जरूरत क्या है, समझ में आ गया आपके। ऐसे ही कल जैसे आप लोग पढ़ रहे थे एडमिशन, है ना, तो एडमिशन भी क्या है, स्वीकृति है, क्या है, तो प्रश्न यह है कि क्या स्वीकृति है तो उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये सेक्शन आपको पहले भी बताया था, 58 और 31 को साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसको, तो 58 ने तो कहा एडमिटेड फैक्ट्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और 31 ने क्या कहा,
31 ने ये कहा कि जो एडमिशन है, एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है. क्या नहीं है? इट मे मेक स्टॉपल, ये विबंध उत्पन्न कर सकता है. इट मे क्रिएट एस्टॉपल, क्या कर सकता है? विबंध या एस्टॉपल कर सकता है, लेकिन क्या नहीं है? कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है. तो प्रश्न आता है कि मान लो ए लिखता है कि इसने इसकी डायरी में यह लिखा हुआ है कि मेरी तरफ दरवाजा निकालेगा तो उसके बदले में 1,00,000 रुपया एडवांस देगा, जो चेक से देने होंगे. अभी तक मुझे 1,00,000 रुपया नहीं दिया है. अब वो क्या है? एडमिशन है. एडमिशन की कॉपी लगा दी. देखो, दावा जब आता है, सिविल का दावा आता है, तो जिस चीज से दावे को साबित करना है, बात क्या समझ रहे हो? जिस चीज से दावे को साबित करना है, वो दावे के साथ में लिखी जाती है. क्या की जाती है? दावे की कॉपी के साथ में एविडेंस होते हैं. बात समझ में आ गई? तो उसने एक फैक्ट में यह भी लिखा, इसने स्वीकार किया, तो वो लिखता है पार्टली एडमिटेड. क्या लिखता है? मतलब पूरी बात स्वीकार नहीं करता. इसका मतलब वो लिख सकता था नॉट एडमिटेड, अस्वीकृत है. क्या लिख सकता था? अब आप ये कहोगे, ये तो एडमिशन है, फिर ये ऐसा क्यों लिख रहा है? तो एडमिशन तो है, लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है. अर्थात वो ये एविडेंस दे सकता है. देखो, एक चीज बताई थी ना कि इफ देयर इज ए कंक्लूसिव प्रूफ, द अपोजिट पार्टी कैन नॉट प्रोड्यूस एनी एविडेंस अगेंस्ट इट, उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का साक्ष्य विपरीत पक्ष नहीं प्रस्तुत कर सकता. मतलब कंक्लूसिव प्रूफ में कोई एविडेंस देने का राइट ही नहीं होता, इसलिए कह दिया. तो वो कहेगा, देखो जैसे एग्जांपल दिया था ना, मेरे से एक स्टूडेंट ने 50,000 रुपये उधार लिया, मैंने उससे कहा भाई 50,000 रुपये दे दे, मुझे फला व्यक्ति के चुकाने हैं, और फिर चुका भी दिए. बाद में वो मेरे ऊपर केस ले आया कि साहब इट वॉज योर एडमिशन कि मेरे पैसे आपके ऊपर आ रहे हैं. तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मैंने पैसे लेने के लिए ऐसा किया था. एक तरह से क्या है? रिबटेबल एडमिशन है, खंडनीय स्वीकृति है, उस स्वीकृति का खंडन किया जा सकता है. ठीक है ना? तो इसलिए इसमें यह भी लिखा है एडिशनल एविडेंस मांग सकता है. क्या लिखा है? एडिशनल एविडेंस मांग सकता है. तो एडिशनल एविडेंस और मांग सकता है. वो कहेगा कि अच्छा ठीक है, आपने अस्वीकृत कर दिया. और मान लो उसे साथ में ये भी करेगा कि देखो, मैं 50,000 रुपये मांगता था, इनके नाम से मैंने मांगे थे, इसलिए ये मेरे से पैसे मांग रहा है. मतलब उसने पूरा खंडन लिख दिया, उसने अस्वीकृत करके खंडन लिख दिया. तो वो कहेगा, न्यायालय कह सकता है कि इस तथ्य को साबित करने के लिए अन्य एविडेंस दो. क्या कह सकता है? तो आपको
एडमिटेड वाला सब समझ में आया कि नो नीड टू प्रूव एडमिटेड फैक्ट्स, लेकिन इसको 31 को जब तक नहीं लाओगे तब तक दिमाग में नहीं आएगी। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है प्री में तो कम रहती है संभावना, लेकिन मेंस में आता है, वो सीधे सीधे लिखता है स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, विस्तार से स्पष्ट कीजिए। अकेले 58 को लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, 31 भी आपको लाना पड़ेगा इसके साथ, संक्षिप्त में लाना पड़ेगा। कैसे लाना पड़ेगा? इन ब्रीफ। तो ये बात सबके समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत? पढ़ लिया? चलो एक बात और समझने की कोशिश करो कि जो सेक्शन 58 है ना, केवल और केवल सिविल मामलों पर बात नहीं, बात नहीं करनी मेरे से पूछा ना, ये ज्यादा होशियार है या मैं ज्यादा होशियार हूं? मेरे कोई पूछ लेना जो पूछेगा। देखो मैं क्लास में आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं, चाहता भी हूं, मानो कि आप एक दूसरे के अजनबी बैठी हो तुम में, वो एक अलग बात है। आप लोगों को लगता है किसी दिन अजनबी की तरह क्लास में पढ़ो, यार बिल्कुल नई क्लास है हम नहीं जानते, तो आप समझोगे कि आपको ज्यादा याद आ रहा है, आपकी आदत है। अब जैसे दोनों लड़कियां हैं, सब तीनों साथ साथ बैठेंगी, ये एक और नहीं आई है वो साथ साथ, जैसे कि इनके साथ के बिना क्या हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि अलग अलग बैठना, फिर भी साथ साथ बैठे, ये दोनों है साथ बैठेंगी, वो दोनों है साथ बैठेंगी, सब साथ बना रखा है क्लास में है? आज इस बात में तू अच्छा है, इस बात में तू अच्छा है, अकेला बैठता है नहीं, इसके गुण है, इसके मुंह पे कर रहा हूं, ज्यादा मत चढ़ जाना चने के पेड़ पे। एक तो ये शायद ये अभी तक एब्सेंट रहा हो, एब्सेंट नहीं रहा, एक आध बार रहा होगा बीच में, कभी एब्सेंट नहीं रहा, ये अच्छा गुण है भाई। आप देखो सिंपली इतना सोचो, किसी इंस्टीट्यूट में आप फीस जमा कराते हो और फीस जमा करा के फिर गायब रहते हो, तो मतलब कैसे लोग हो? इंस्टीट्यूट चाहता है आपको पढ़ाना चाहता है, ये अच्छा गुण है तुम्हारा। अब मोदी जी के पास एक ही गुण है, वो बोलते बहुत अच्छा है, अब आप देख लो एक गुण से ही वहां पहुंच गए, दूसरे एनर्जेटिक है, 75 साल की एज में भी दौड़ लगाते हैं, जहाज पे चढ़ते हैं तो पकड़ के नहीं चढ़ते, नहीं तो 75 साल के बुड्ढे उठा उठा के रखने पड़ते हैं चारपाई पर, तो ये उनके गुण है, गुण नहीं है क्या भाई? 50 साल के राहुल गांधी से 75 साल के दोनों की झगड़ा चल रहा है, वो भी अपना दम लगा रहे हैं, इन लोगों से यही चीजें सीखनी चाहिए, और कोई चीजें सीखने लायक नहीं है इनसे। खैर देखो सेक्शन 58 केवल सिविल मामलों में लागू होता है, कैसे मामलों में? तो क्रिमिनल में नहीं होता क्या? ना। तो उदाहरण से बताओ क्या मामला है। जैसे मान लो एक आदमी कोर्ट में कहता है कि सर मैं अपना जुर्म स्वीकार करता हूं, क्या कहता? तो न्यायालय कहेगा कि ठीक है हम पनिश कर देते हैं, इसलिए क्या सेक्शन 58 यूज करके उसको पनिश कर देगा? ना। कन्फेस बहुत सारे लोग करते हैं, उसके बावजूद भी क्या चलेगी? ट्रायल चलेगी। क्या चलेगी? ट्रायल। उसके बावजूद ट्रायल चलेगी और ट्रायल से ही डिसाइड होगा। तो 58 बनी हुई है किन के लिए? सिविल मामलों के लिए। कौन से मामलों के लिए? सिविल मामलों। अच्छा अभी ये तीनों सेक्शन कंप्लीट हुए, 4, 56,
57, 58, ये तीनों सेक्शन और एक 31, ये चारों सेक्शन के टाइटल कितने लोगों को याद है? अदिति कहाँ है? आ जाइए, नहीं है। और एक वो और है जेटली, ये दोनों ही बीच बीच में गायब रहती हैं। और सेलेना का तो मेरे कोई परिचित मेरे मेरे स्टूडेंट रहे हैं और यहीं जयपुर में डिस्ट्रिक्ट जज हैं, एडीजे में मेरे से पढ़ाई की, उन्होंने एडमिशन करवाया। इतना क्रूशियल टाइम चल रहा है जब आपको बिल्कुल ही स्टॉप नहीं करना चाहिए। ये अदिति और सेलेना जेटली दोनों ही, कभी एक आएगी कभी दूसरी आएगी कभी एक आएगी। वैसे तो उन्होंने जमा कराए हैं ना, 30 जमा कराए फुल टाइम के लिए हो आप यहाँ पे, हम नहीं करते छुट्टी कहीं। बहुत विशेष स्थिति ना हो जाए तब तक मैं कोई छुट्टी नहीं करता कभी, विशेष विशेष से विशेष के स्थिति में, अन्यथा कोई छुट्टी नहीं कुछ नहीं। और ऐसा नहीं, आप तो अपनी पढ़ाई के लिए आए हो, पिछले 15 साल से ऐसा नहीं कि अभी 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 चल रहा है ऐसा, वैसे नहीं, 15-16 साल से मैंने नहीं की छुट्टी। ऐसे ही रोज रोज नियमित निकलना, रोज ये उब जाता है ना इतने लंबे समय में। इसमें दो सेक्शन है, सेक्शन 59 और 60, पहले थोड़ा समझ लो फिर पढ़ लेना। देखो 59 कहता है कि हर वो बात, हर एक बात मौखिक रूप से साबित की जा सकती है। क्या कहता है? हर बात को मौखिक रूप से साबित किया जा सकता है। एवरीथिंग कैन बी प्रूव्ड ओरली, लेकिन दो बातें हैं वो ओरली साबित नहीं की जा सकती। जैसे डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट तो डॉक्यूमेंट से साबित किया जाएगा ना। ये कहावत सुनी है, लिखा लिखे से साबित होगा। क्या से, क्या है? लिखा लिखे से साबित होगा। अब एक और चीज है, लिखे की वैल्यू ज्यादा है, लिखे की। कभी कभी सुना है ना गांव में कहावत करते हैं, वो गांव वालों को वैसे ही एविडेंस एक्ट याद है, वो कहते हैं एक लिखा 100 बका, 100 बार बोलो लिखा हुआ मानेंगे हम। ये मानते हैं कि नहीं मानते? वो भी एविडेंस एक्ट की बोल रहे हैं, एक लिखा 100 बका। लेकिन 59 कहता है कि सब चीजें आप ओरली साबित कर सकते हो। एक तो डॉक्यूमेंट, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के जो डॉक्यूमेंट हैं। भाई आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के आ गए ना ये। अब इसी को सेक्शन 59 की हेडलाइन को याद करो, 59 की सिर्फ हेडलाइन याद कर लो, हेडलाइन से ही सारा हो जाएगा। देखो एक काम करो, 59 का जो टाइटल है ना, उस टाइटल को अपना टाइटल अलग बना लो। जो नीचे लिखा हुआ है ना 59 में, जो बात लिखी हुई है वो लिखी हुई है, ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मे बी प्रूव्ड ओरल, मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे। इतना याद करो, इस लाइन को याद करो पक्का, नीचे लिखी हुई है, एक ही लाइन याद करो जल्दी फटाफट, बार थोड़ा जब भी याद करो बोल के याद करो, बोला करो, वैसे याद नहीं होगा। याद हो गया तो मैं 60 पे चलता हूं, ठीक है? 60 में क्या बताया है? कभी कभी देखते हो ना कि सब ये आई विटनेस है, वो कहता है मौखिक साक्ष्य सदा प्रत्यक्ष होगा, ओरल एविडेंस शैल बी डायरेक्ट ओनली। अब जिस चैप्टर 4 में केवल यही दो सेक्शन थे,
अब देखो यहाँ एक चीज और समझनी थी सेक्शन 60 में। मेंस में कई बार क्वेश्चन आया है, सेक्शन 60 में बहुत आता है। एक शब्द लिखा आया था ना, मर्मिल असमर्थ हाजरी, यदि वैज्ञानिक होता तो कोई बात नहीं, वो तो मर गया। तो ऐसे वैज्ञानिक जो अब नहीं है, उन्होंने अपनी बुक्स में जो कुछ भी लिखा है, तो कोर्ट में यदि बुक्स पेश की जाती है और कहा जाता है कि सर इसकी मृत्यु सल्फोस खाने से हुई, और सल्फोस के लास्ट के सल्फोस के सल्फोस के लास्ट के जो रिजल्ट हैं उनमें मुंह से झाग आते हैं, बॉडी नीली पड़ जाती है, तो ये सब बातें बॉडी नीली पड़ जाती है, ये सब बातें कहाँ लिख रही हैं? किताबों में लिखी एक्सपर्ट्स ने, वो किताबें लोग पढ़ते हैं, तो यदि कोर्ट में जाके दिखाते हैं तो वो क्या माना जाएगा? वो एक आदमी कहता है साहब इसने सल्फोस खरीदी और इसने इसको दी गई, इसका मतलब इसने खरीदी, ये लाया, इसने इसके खाने में मिलाई या जो भी किया, और इसके इस ये इफेक्ट आते हैं। तो जो किताब पेश की गई है ना कोर्ट में, तो वो ऐसा माना जाएगा कि मानो वो एक्सपर्ट जीवित ही हो, वो किताब एक जीवित किताब है। तो आपको समझ में आया कितनी जगह आ गया मर्मिल असमर्थ हाजिरी? सेक्शन 60 में अभी आ गया, 32 में भी आ गया, और 158, ठीक है, और 33 में भी आ गया। कितनी जगह आ गया? चार जगह। अब नेक्स्ट चैप्टर, ये जो एविडेंस है नेक्स्ट, वो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कैसे एविडेंस? तो डॉक्यूमेंट वाले एविडेंस जो होते हैं उनकी एविडेंसरी वैल्यू ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के संबंध में आप लोगों ने दो तरह के डॉक्यूमेंट समझ रखे हैं। एक तो नाम सुना है ना, प्राइमरी डॉक्यूमेंट, और एक सेकेंडरी। तो डॉक्यूमेंट के प्राइमरी और सेकेंडरी होने के बजाय उसका कंटेंट प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकता है। क्या चीज? कंटेंट या अंतर वस्तु, कंटेंट या अंतर वस्तु। तो प्राइमरी होती है या तो उसका कंटेंट, थोड़ी सी चीजें पहले समझ लो फिर, जिससे कि आसानी रहे। यहां मैंने कुछ लिखा और लिखकर मैंने यहां एम के सिंह लिखा, ये माना जाएगा कि जो कुछ भी ऊपर लाइनें लिखी हुई हैं उन्हें एम के सिंह ने लिखा है। तो ये लाइनें, एक हिंदी में शब्द है निष्पादित, एग्जीक्यूटेड, ये यहां से यहां तक लिखी हुई लाइनें किसने निष्पादित की? एम के सिंह। मान लो ये लाइनें, आपका नाम क्या है? अर्चना। अर्चना ने लिखी है हाथ से और मेरे से यहां साइन करा लिए, तो ये लाइनें किसके द्वारा लिखी हुई समझी जाएंगी? मेरे द्वारा, तो भी मेरे द्वारा ही निष्पादित समझी जाएंगी। किसके द्वारा?
जब मेरे द्वारा निष्पादित समझी जाएंगी, मेरे द्वारा एग्जीक्यूटेड समझी जाएंगी, तो मान लो हैंडराइटिंग इनका है और मैंने साइन किए हैं, तो जो भी निष्पादित करता है वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। कैसा डॉक्यूमेंट? प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। हु मेड इट? मान लो मैंने टाइप करा ली, उससे क्या असर पड़ रहा है? मैं किसी दूसरे हैंडराइटिंग में लिख दी, उससे भी कोई असर नहीं पड़ रहा। मैंने अपनी हैंडराइटिंग में लिख दी, उससे भी कोई असर नहीं पड़ रहा। ठीक है, सबसे पहले 61 बिल्कुल 59 की तरह है। जैसे 59 था ना एक लाइन का, इससे 61 को याद करो। एक लाइन को ही है 61, 61 को याद करो एक लाइन की। ये कंटेंट या अंतर्वस्तु को समझते हो क्या? कंटेंट क्या होता है, अंतर्वस्तु क्या होती है? जैसे यहां एक लाइन लिखी है, मैं एक्स को 50,000 रुपए महीने देने का वचन देता हूं, तो ये है क्या चीज है? ये कंटेंट है। क्या चीज है ये? कंटेंट। कंटेंट तो समझते हो ना? जैसे आजकल सुना है ना, यूट्यूबर्स कहते हैं यार कंटेंट अच्छा होगा तो चलेगा। एक लड़का है ध्रुव राठी, नाम सुना है, सब जानते हैं उसको, बहुत दाम कमा रहा है वो। क्यों? गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता है? अगेंस्ट में क्यों बोलता है? आम आदमी पार्टी से एसोसिएट है? उसने कभी सदस्यता ली नहीं, ये बात तो मुझे पता है। तो अपनी ओपिनियन रखता है और फैक्ट्स के आधार पर रखता है, झूठी थोड़ी रख रहा है। मान लो मैं चोरी करूं, मान लो मैं आप लोगों को अच्छा ना पढ़ाऊं, और आपको नहीं बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, आप तो जबरदस्ती थोड़ी कहोगे। मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तभी अच्छा कहोगे। ये तो सरकार की कमियों को सरकार के सामने रखता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और गड़बड़ सड़बड़ चलती रहे, बेहतर है कि उसकी कमियों को सामने रखा जाए। हर एक की रखी जानी चाहिए, चाहे वो ऐसा थोड़े ही है जब नई सरकार आ जाएगी, कोई भी आदमी हो एक दिन कितना भी ऊंचा चाहे, महात्मा गांधी से तो ऊपर कोई गया नहीं अभी तक। महात्मा गांधी को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने इस देश को आजाद करने में सर्वाधिक बड़ी भूमिका उन्हीं की थी, और लोग भी लगे थे लेकिन सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं की थी, और उन्हें हम इसलिए पूरे राष्ट्र का पिता मानते हैं। इधर लग रही है तस्वीर, ऐसा नहीं है, हो सकता वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ये गांधी जी के गुरु जी हैं, वो इनके गुरुजी का है फोटो वो, ऐसा नहीं ये भी मानते थे गुरुजी को, तो गुरुजी तो होने ही चाहिए। तो उनसे बड़ी भूमिका तो किसी की रही नहीं। गांधी जी भी एक दिन चले गए, हम सब लोग भी एक दिन चले जाएंगे। कभी कभी होता है क्या ऐसा, हम लोग नहीं रहेंगे? एक 100 साल बाद आप में से कोई नहीं होगा, मैं भी नहीं हूंगा। तो मैं कह रहा था जैसे ध्रुव राठी है, तो वो पॉपुलर क्यों हो रहा है?
लोग कहते हैं उसका कंटेंट अच्छा है, तो फिर ये समझ में आया कंटेंट क्या होता है, मतलब जो कुछ भी वो दे रहा है विषय सब्जेक्ट उसको बोलते हैं कंटेंट, क्या बोलते हैं। तो ये शब्द कंटेंट समझाना था, इसके पीछे इतना ही था। तो ये कंटेंट शब्द समझ में आया है क्या आपके? मान लो मैं यहां लिखता हूं कि मैं एक्स को 50,000 रुपए देना का प्रॉमिस करता हूं, तो मैंने ये क्या, ये कंटेंट है। अर्थात उस दस्तावेज की अंतर्वस्तु है, क्या चीज है, समझ में आया, शब्द समझ में आया। मैंने 2-3 शब्दों का उपयोग किया, एक का नाम लिया मैं निष्पादन। ये डॉक्यूमेंट किसने निष्पादित किया, एमके सिंह ने। कंटेंट जो लिखा है वो दस्तावेज के ऊपर लिखा हुआ कंटेंट, तो कंटेंट के संबंध में है या अंतर्वस्तु के संबंध में है। तो समझ में आया कि प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो एक तरह से 61 ने एक ही बात कही कि 61 ने क्या बात कही कि या तो डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है ना वो दो तरीके से साबित किया जा सकता है, एक तो और एक प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक प्राथमिक और द्वितीय, ठीक है। यही है एक लॉ सिर्फ 61 में ही, बाकी तो जो आगे का सेक्शन है जिनमें प्रश्न आते हैं वो ये बताया कि प्राइमरी कौन सा होता है और सेकेंडरी कौन सा होता है। कानून तो इतना ही है कि कंटेंट को साबित करने के लिए या तो आपके पास प्राइमरी डॉक्यूमेंट होना चाहिए या सेकेंडरी होना चाहिए। ये 61 कहता है, कौन कहता है, 61। अब देखो इंपॉर्टेंट है 62, कहता है कि प्राथमिक साक्ष्य क्या होता है, क्या है प्राथमिक साक्ष्य। अब देखो आप लोग 62 को एक बार पक्का याद करने की कोशिश करो, आएगा क्वेश्चन इसी में से आता है। 62, 63, 65 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पढ़ लिया। देखो इसमें एक लाइन है, शब्द इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड फॉर द कितनी सी लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें क्या लाइन लिख रही है, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, न्यायालय के निरीक्षणाधीन, मतलब न्यायालय के निरीक्षण हेतु, किसके लिए, न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत दस्तावेज। क्या कहा इसने, न्यायालय के इसका मतलब समझ में आया कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो कोर्ट में कौन से वाले पेश किए जाएंगे, प्राइमरी या सेकेंडरी, केवल प्राइमरी, कोर्ट में डॉक्यूमेंट प्राइमरी ही पेश किया जाएगा। फिर सेकेंडरी कब काम आता है, अरे सेकेंडरी तब काम आएगा जब प्राइमरी नहीं होगा,
नहीं तो कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट पेश करना होता है? ऑलवेज प्राइमरी। कौन सा करना होता है? ये पक्की याद हो गई। इसमें इंपॉर्टेंट शब्द है इंस्पेक्शन। क्या शब्द है? इंस्पेक्शन किसका? कोर्ट का। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए किसको? ये तो इसकी एक तरह से परिभाषा हो गई, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसमें दो स्पष्टीकरण दे रखे हैं, ठीक है। जैसे पहला स्पष्टीकरण है, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, यूनिफॉर्मल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? एक शब्द आया काउंटर पार्ट और एक शब्द आया, इतनी सी डेफिनेशन, यही सेक्शन 62 है। अब मैं समझाऊंगा आपको क्या है ये। तो कोई पूछे प्राइमरी डॉक्यूमेंट क्या होते हैं ये, क्या बताओगे आप? न्यायालय के निरीक्षण हेतु प्रस्तुत दस्तावेज। तो प्राथमिक साक्ष्य क्या होते हैं? तो उसने कहा दो तरह के हो सकते हैं, एक तो काउंटर पार्ट और दूसरा काउंटर पार्ट और यूनिफॉर्म प्रोसेस। यूनिफॉर्म मतलब डॉक्यूमेंट मेड बाय यूनिफॉर्म प्रोसेस। समझ में आया कि ये नहीं? अब आप सेक्शन 62 पढ़ो। सेक्शन 62 पढ़ो, बताऊंगा मैं अभी। ये थोड़े टफ है, एक बार आपको बता देता हूं, हो गया? देखो अब थोड़ा समझो मेरे से। सबसे पहले ये लिखा है ना, एक शब्द लिखा है प्रतिलेख, काउंटर पार्ट, है ना, और एक है यूनिफॉर्म प्रोसेस, एक रूपात्मक प्रक्रिया। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म प्रोसेस समझो। कार्बन समझते हो ना, कार्बन कॉपी होते थे, सबसे पहले कार्बन कॉपी को ही समझो। ऊपर एक कार एक एक पन्ने पे लिख रहे हैं, उसके नीचे कार्बन कॉपी, फिर उसके नीचे कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी, है ना। तो पहले वाले पे लिख रहे हैं और दूसरी कार्बन कॉपी है, तो इनमें कोई अंतर है क्या? इनमें कोई सेकेंडरी प्राइमरी का अंतर है क्या? अरे भाई सिर्फ नहीं, इसमें नहीं है कोई भी अंतर नहीं है, ये यूनिफॉर्म प्रोसेस है भाई। पहले पेन है तो डायरेक्ट ही आ रहा है कागज पे, दूसरा भी नीचे पेन है, इस पेन का दबाव नीचे पड़ रहा है, तो नीचे कार्बन जो है वो भी तो एक पेन ही है, उसके नीचे एक कार्बन है, वो भी पेन है। पहले पढ़ाते थे ना टीचर, तो हम मैथमेटिक्स पढ़ने जाते थे, तो मैथमेटिक्स का टीचर समझाता था ना सब कुछ जो कुछ, तो वो क्या करता था, कार्बन कॉपी पे समझाते थे और वो एक एक कॉपी सबको बांट देते थे, और डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करते, इस बार पहली कॉपी इसको दे दी, दूसरी इसकी, तीसरी दे, फिर तीसरी, ऐसे आप लोगों ने पढ़ाई करी है क्या कभी? ये कोचिंग का बहुत पुराना पैटर्न है। जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो हमारे सारे टीचर ऐसे ही पढ़ाते थे, 10 बच्चे बैठा लेते थे, और एक हमारे गुरुजी थे जो हमें मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, आरसी वर्मा साहब, वो तो हम जब 4:30 बजे सुबह पढ़ने जाते थे ना साइकिल लेके, तो 4 बजे या 5 बजे से बैच शुरू करते थे वो सुबह, और 9 बजे तक कंटिन्यूएशन में बैच चलता था 1-1 घंटे का। तो वो तो रजाई, वो अपने बिस्तर पर ही लेट के वो रजाई रख लेते थे, बस मेज थी,
और हम 5 बजे 4:30 5 बजे पहुंच जाते, फिर हमारे 1 घंटे बाद दूसरी केमिस्ट्री के यहाँ, फिर तीसरी दूसरे के यहाँ, तीसरी, ऐसे करके 4-5 ट्यूशन जाना पड़ता था। ऐसी क्लासेस नहीं होती थी कि एक ही जगह सब कुछ मिल जाए। तो मैं आपको बता रहा था वो यूनिफॉर्म प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? एक रूपता है, एक रूपात्मक प्रक्रिया है। अच्छा, यूनिफॉर्म प्रोसेस और कौन कौन से, जैसे अखबार हैं, लाखों अखबार छप रहे हैं ना, तो कैसे ये यूनिफॉर्म प्रोसेस? तो यूनिफॉर्म प्रोसेस समझ में आ गई आपके? जैसे जेरोक्स निकल रही है, वो कैसी है? यूनिफॉर्म प्रोसेस। तो जो शब्द है यूनिफॉर्म प्रोसेस, समझ में आ गया क्या? दूसरा कहता है प्रतिलेख। प्रति माने विपरीत, प्रति माने विपरीत का लेख, उसे बोलते हैं काउंटर पार्ट। जैसे एक एग्जाम्पल से समझो, दो लोग हैं, ए, एक ए है और एक बी है, दोनों ने क्या किया? पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप की तो एक डॉक्यूमेंट बनाया, और उसमें सब शर्तें लिख ली। इस डॉक्यूमेंट पर ए ने साइन करके दे दी। एक डॉक्यूमेंट बनाया, उस पर बी ने साइन करके दे दी। बी की प्रॉमिसेस को बी ने कर दिया, ए की प्रॉमिसेस को ए ने कर दिया, और दोनों को एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिया, 2 ईयर रख 2 ईयर। क्या है ये? विपरीत के लिए लिखे हुए लेख हैं। क्या लिखे? विपरीत के लिखे हुए लेख। तो इन्होंने जो कुछ भी इस पे लिखा बी ने, तो ये बी के लिए कैसा है? ये कैसा है? ये प्राथमिक या प्राइमरी। लेकिन यही चीज ए के लिए क्या हो गई? सेकेंडरी। यही चीज इसने इसके लिए लिखा, ये क्या हो गई? सेकेंडरी। तो एक के लिए जिसने निष्पादित किया, जिसने एग्जीक्यूट किया, उसके लिए क्या हो गई? अब ये जो डॉक्यूमेंट है ना, कौन सा? काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट दोनों में आता है। किसमें आता है? ये प्राइमरी भी होता है और सेकेंडरी भी होता है, क्योंकि जो बात इसके लिए यहां आ गई वो उसके लिए सेकेंडरी हो गई। मतलब प्राइमरी सेकेंडरी में जब हम जाएंगे, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, तो एक एक आपने अभी पढ़ लिया, मतलब काउंटर पार्ट प्राइमरी भी होता है और, समझ में आया काउंटर पार्ट आपको? तो आपसे कभी कोई कहे कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट क्या होता है, तब तो आप क्या करोगे कि जो न्यायालय के इंस्पेक्शन के लिए प्रस्तुत किया जाता है, और या तो वो काउंटर पार्ट होगा या यूनिफॉर्म प्रोसेस से बना होगा। तो एक लाइन में डेफिनेशन क्या कहें कि जो न्यायालय के सामने इंस्पेक्शन के लिए पेश किया जाता है, या तो वो क्या होगा? काउंटर पार्ट, या मतलब काउंटर पार्ट और यूनिफॉर्म प्रोसेस लिखकर तो इस लाइन को समझाया है। असली लाइन तो कौन सी है? प्रोड्यूस फॉर
inspection of the court. मतलब डॉक्यूमेंट विच प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ द कोर्ट, यही है। इस बात कौन से किए जाते हैं कोर्ट में, तो या तो वो काउंटर पार्ट होगा या यूनिफॉर्म प्रोसेस से बना होगा। यहां तक की बात सबके समझ में आएगी क्या? किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? सेकेंडरी पर मैं गया नहीं है, पर मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि सेकेंडरी वाले में, मतलब सेकेंडरी में भी 5 पॉइंट हैं, तो वो जो पॉइंट्स हैं उनमें से एक पॉइंट यहां भी आता है। मतलब काउंटर पार्ट सेकेंडरी भी होता है और प्राइमरी भी होता है। अब प्रश्न आता है कि सेकेंडरी कब होता है और प्राइमरी कब होता है। जो डॉक्यूमेंट मैंने लिखा, मैंने एग्जीक्यूट किया, मैं 50,000 रुपया आपको देने की प्रॉमिस करता हूं, ये मेरे लिए क्या है? मैंने किया, मैंने एग्जीक्यूट किया, प्राइमरी डॉक्यूमेंट। कैसा है? अब बात आती है सेकेंडरी कब होता है। तो यहां चूंकि अभी प्राइमरी कंसेप्ट को क्लियर कर लो, सेकेंडरी में हम आ रहे हैं आगे। क्या प्राइमरी समझ में आया क्या आपके? है? हाँ हाँ, ये मैं समझा रहा हूं, समझाता हूं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक लाइन रह गई है, एक शब्द मैंने आपको बताया था ना, एक थोड़ा सा ये जैसे डॉक्यूमेंट क्या होता है ना, डॉक्यूमेंट। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये कोई सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, कोई विषय होता है, उस पर कोई सब्जेक्ट होता है। जैसे एक आदमी मरता हुआ लिख के मिट्टी पे चला गया, मेरी को इसने फलाने मारा, तो वो क्या है? डॉक्यूमेंट है। क्या लिखा हुआ है उसमें? डाइन डिक्लेरेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डाइन डिक्लेरेशन। लड़की पत्र लिखती थी, डाइन डिक्लेरेशन लिखा हुआ। तो डॉक्यूमेंट एक सब्जेक्ट होता है, चाहे वो किसी भी पदार्थ पर लिख रहा हो, चाहे वो किन्हीं तरीकों से, जिन तरीकों से लिखी जाती है चीजें उनमें लिख रहा हो। भाई कोई पेन से लिख रहा है, कोई चिन्ह बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो ये असली तौर पर डॉक्यूमेंट का मतलब है कोई सब्जेक्ट। डॉक्यूमेंट का असली मतलब क्या है? सब्जेक्ट, विषय। ठीक है। अब पता है ये जो पार्ट पढ़ रहे हैं, ये मुझे थोड़ा सा पहले ही बताना था। जैसे एक चैप्टर है 61 से लेकर, आपके नोट्स में दिया हुआ है, 61 से लेकर 66 तक के जो पार्ट है ना, वो डॉक्यूमेंट दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को साबित करने का ढंग है। मतलब दिस इज द मोड टू प्रूव द डॉक्यूमेंट, ये वो मोड है। 61 से शुरू होता है, 66 तक है ना, मतलब आगे तक के दे रखे हैं सेक्शंस, जिससे आपको आइडिया रहेगा। दूसरा 67 से 90 तक डॉक्यूमेंट असली है या नहीं है, ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। 66 में देखो, ये मैं बताना भूल गया कि आगे हम जो पढ़ने वाले हैं ना, वह तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहां से यहां तक के सेक्शंस में ये दिया हुआ है, यहां से यहां तक के में ये दिया हुआ है, आपके नोट्स में दिया हुआ है, मेरे से स्किप हो गया था इसलिए मैंने लिया है इसको। तो 61 से लेके 66 तक के सेक्शन है ना, मतलब कैसे कंटेंट को कैसे साबित करेंगे, डॉक्यूमेंट के कंटेंट को साबित करने का मोड है, तरीका है। और
67 से लेकर 90 तक टू चेक द जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब कोई डॉक्यूमेंट असली है नकली है ये जानने के लिए 67 से 90 तक के सेक्शन है। 91 से लेकर 100 तक के एक लिखा 100 बका, मतलब लिखा लिखे से साबित होगा, क्या लिखा है लिखा लिखे से साबित होगा, मतलब लिखा हुआ है और आप ओरली उसको एक्सक्लूड करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, अपवर्जित करना चाहते हैं, तो वो नहीं होगा। उसके संबंध में 91 से लेके 100 तक के सेक्शन दे रखे हैं, ये का आपको आइडिया होना चाहिए आगे की पिक्चर के बारे में, इस चैप्टर के बारे में, इसलिए मैंने लिखा है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। कहां से समझ में नहीं आया था, हम बता रहे थे एक रूपात्मक प्रक्रिया नहीं, हाँ एक रूपात्मक तो समझ में आ गया था, देखो जैसे 10 कॉपी जेरोक्स से निकाली और मैंने 10 पे के 10 पे साइन कर दिए इकट्ठी, तो वो 10 की 10 प्राइमरी हैं, कैसी हैं, लेकिन वो बनी कैसे थी, यूनिफॉर्म प्रोसेस से, कैसे बनी थी, अब देखो कंटेंट के बारे में, प्रोसेस अलग हो सकती है, जैसे एक कॉपी में यही कंटेंट यहां से यहां तक का जो कंटेंट है यही लिखा हुआ है, एक पे तो एक में तो लिखा हुआ है हाथ से, एक में लिखा हुआ टाइप करके कंप्यूटर से, और एक में टाइपराइटर से लिखा हुआ है कंप्यूटर, सेम लाइनें लिखी हुई हैं और मैंने तीनों पर साइन कर दिया, क्या अंतर है, कोई अंतर है क्या, नहीं कोई अंतर नहीं है, तीनों ही इससे असर नहीं पड़ता कि उनकी शकल कैसी है, हैंडराइटिंग कैसा है, असली तौर पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, कंटेंट, क्या इंपॉर्टेंट बात है, कंटेंट, कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, कंटेंट कैसा है, एक जैसा। अब देखो इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात पूछी थी कि ये लाइन हमारी समझ में नहीं आई, वो लाइन आपको समझ में आनी चाहिए, देखो लाइन मैं पढ़ दे रहा हूं, जो लाइन इसको समझ में नहीं आई, एक्सप्लेनेशन टू, वेयर ए नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल मेड वन यूनिफॉर्म प्रोसेस इन द केस प्रिंटिंग लिथोग्राफी फोटोग्राफी ईच इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द रेस्ट बट वेयर दे आर ऑल कॉपीज ऑफ ए कॉमन ओरिजिनल दे आर नॉट प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ ओरिजिनल, जहां अनेक दस्तावेजों का एक रूपात्मक प्रक्रिया से बनाई गई है जैसे मुद्रण शिला मुद्रण फोटो चित्रण में होता है, उनमें हर एक शेष की अंतर्वस्तु प्राथमिक साक्ष्य है। यहां तक की लाइन कितने लोगों को समझ में आ गई, अभी मैंने क्या किया था, एक में तो आपसे लिखवा लिया ऐसे टाइप करा दिया, एक में लिखवा लिया ऐसे, एक में लिखवा लिया अलग तरीके से हैंडराइटिंग से हाथ से लिख दिया, एक में पूरी की पूरी बात लिखी हुई थी, एक में टाइप से लिखी हुई थी, तो कंटेंट में कोई अंतर है क्या, कंटेंट में कोई अंतर नहीं है, यहां तक की बात ये लाइन पहली लाइन स्पष्ट करती है, ये बात समझ में आ गई क्या है, सबके समझ में आ गई ये लाइन, दूसरी लाइन पे चलो,